जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में संक्षिप्त में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे आज की बड़ी खबर में 6564 स्कूल अपग्रेड बिना शिक्षक का। तो आज की जो खबरें निकल कर सामने आई, इसमें यह बातें हुई है कि जो हाईकोर्ट के पटल पर मामले लंबित किए गए हैं और यह बातें की गई है जो कि अपग्रेड जो स्कूल हुए हैं और उसमें मानक को पूरा नहीं कर रहे हैं। उसमें मानक की बात करें तो उसमें शिक्षक की भी बातें की गई हैं, शिक्षकों की कमी के बारे में भी, अर्थात बिना शिक्षक के आप लोग जानते हैं इतने विद्यालय हैं। और इसके अलावा जो भूमि की बातें की गई हैं और इन सभी को सरकार द्वारा पूरे किए जा सकते हैं, आगे बातें भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो शिक्षकों की कमी है जिसके कारण पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो इसके बारे में बातें कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये सातवें चरण की जो बहाली प्रक्रिया होगी तो इस अनुसार से पूरे किए जा सकते हैं जो शिक्षकों की कमी है। और इसके लिए आप लोग जानते हैं कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी यादव जी, उनके द्वारा भी ट्वीट किए गए थे और इसमें ये बातें की गई थी जो 2 लाख शिक्षकों की बहाली के बारे में, 2 लाख शिक्षकों की अविलंब बहाली के बारे में बातें की गई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री निर्देश, तो मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दे चुके हैं कि जहां भी शिक्षकों की कमी है वहां पर शिक्षकों की जल्द बहाली हो, तो ये बातें की हैं बहाली जल्द हो, तो ये सभी निर्देश दे चुके हैं जिस पर पहले भी बातें किए हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो प्राइमरी से लेकर प्लस टू तक की बहाली खुली, तो इस अनुसार से बात किया जाए जो हाईकोर्ट के पटल पर मामले लंबित हैं, तो ऐसे में जो सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है और यहाँ पर शिक्षकों की कमी के बारे में भी बातें की गई है। इसके अलावा आप लोग देख रहे होंगे कि जो 3516 हाई स्कूल और 2948 प्लस टू स्कूल हैं सवालों के घेरे में, जो कि मानक की बातें की गई हैं। तो आगे बातें करने वाले हैं, एक आप लोग देख चुके हैं जो शिक्षक की बातें करें, शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकता है सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करके और जल्द से जल्द बहाली हो। इसके अलावा मानक की बात करें तो दूसरी बातें हैं भूमि के बारे में, तो भूमि के बारे में भी इसके लिए भी विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, आगे स्पष्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आपके विषय पर कितना प्रभाव पड़ेगा, रिक्तियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, जो आपके विषय में रिक्ति है इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव की बात करें तो जो 2 लाख की बातें की गई है प्राइमरी के लिए 80,257 पद और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए 1,20,000 से भी अधिक पद हैं, तो इतने पद आने हैं। और इसके लिए यदि आप लोग प्रयास करते हैं सभी विषय में रिक्तियों की संख्या अधिक से अधिक आ सकती है, जहाँ पर बिना शिक्षक की पढ़ाई चल रही है और विद्यालय भी अपग्रेड हो गए हैं, उत्क्रमित हो गए हैं, तो इसीलिए शिक्षकों की काफ़ी बहाली हो सकती है सभी विषय में। अब आगे देख लेते हैं, तो इसीलिए प्रभाव की बात करें तो अच्छी खबर ही देखने को मिल सकती है, सरकार का प्रयास हो और सभी का प्रयास हो। जो स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं अब उसमें तो मानक को पूरा करने के लिए जो शिक्षकों की कमी है वो भी दूर हो, साथ में विकल्प भी और भी विकल्प पूरे किए जाएँ सरकार द्वारा, तो यही उपाय हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे में अहम ये भी है कि जाना कि जो मानक की बात करें तो 2 बातें हैं, एक देख चुके हैं जो कि शिक्षकों की कमी की बातें हो गई और दूसरी मानक की बात करें तो जहां भूमि की कमी की बातें हैं। तो आप लोग पहले भी जानते होंगे, इस पर पहले बातें कर चुके हैं, तो देख लेते हैं जो कि मध्य विद्यालय जो कि उत्क्रमित हो गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे इस साइड लिखा हुआ है, राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं मध्य विद्यालय जो कि उत्क्रमित होकर उच्च माध्यमिक विद्यालय बने हैं, इसकी संख्या पेपर के अनुसार बहुत दिन पहले की बातें करें, बहुत दिन पहले स्पष्ट हुआ था, तो 3473 हैं जो कि 75 डिसमिल भूमि, इस टाइप की बातें हैं जो कि भूमि हैं इसमें 3473। लेकिन जो भूमि की बातें जो याचिकाकर्ता के वकील, याचिकाकर्ता या फिर वकील द्वारा जो बातें स्पष्ट की गई उसमें 3 एकड़ भूमि ग्रामीण क्षेत्र में और 1 एकड़ भूमि शहरी क्षेत्र में यह बातें की गई हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं कि इतनी भूमि, जैसे आप लोग देखे हैं कि जो पिछले 30-40 साल में जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई है, तो आप लोग जानते हैं आज़ादी के बाद की जनसंख्या की बात करें तो लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती गई और जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ऐसे में इतनी भूमि कहाँ से आए। आप लोग जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि भले ही हो जाए लेकिन भूमि की संख्या तो बढ़ नहीं सकती, भूमि की
जो है माप या तो बढ़ नहीं सकती है, संख्या नहीं माप बढ़ नहीं सकती है, तो यही कारण है कि ऐसे में इतनी भूमि कैसे आ सकती है। तो इसके लिए विकल्प की ही बातें हो सकती है, और इसे फसलों पर भी असर पड़ेगा। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 3 एकड़ की बातें कर दी जाए तो फसल के लिए जो भूमि है तो उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है, और बाकी जो अन्य काम के लिए है भूमि उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो विकल्प यही है कि जो कि यहाँ पर बातें की गई है, जो कि 2948 स्कूल यह भी पेपर के माध्यम से स्पष्ट हुए, जहाँ पर 75 डिसमिल से कम भूमि होगी, जो कि मानक सरकार के अनुसार 75 डिसमिल लेकर चला गया होगा। तो यही बातें इससे स्पष्ट होती है, जो बहुत दिन पेपर के अनुसार 2948 स्कूल में भूमि की बातें करें तो, जो कि मध्य विद्यालय में ही इसमें मध्य विद्यालय में ही इसका भी होता है, अर्थात इसको मर्ज कर दिया गया है मध्य विद्यालय में ही, जो कि इतने प्लस टू स्कूल होंगे 2948। तो ऐसे में जो है इसके लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, सरकार का विकल्प क्या हो सकता है, तो विकल्प यही हो सकता है कि अतिरिक्त कमरा की बातें की गई हैं, आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होंगे अतिरिक्त कमरा। और इसके लिए जो पहले शिक्षा मंत्री जी थे, अर्थात अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, वो भी स्पष्ट किए थे कि, और उसके बाद पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि जो कि जहाँ भी भूमि की कमी है वहाँ पर मंजिल की बातें की गई थी, 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसे मंजिल का भी ठोस मंजिल का निर्माण हो, और इस अनुसार से भी भूमि का जो कमी है इसे भी पूरा किया जा सकता है, इस मानक को पूरा किया जा सकता है। तो यही बातें हैं, मानक को पूरा किया जा सकता है यदि अपग्रेड किया गया है, लेकिन अपग्रेड में कमी हो तो मानक को पूरा किया जा सकता है। तो यही बातें स्पष्ट होती है इससे भी। अब आगे देख लेते हैं आप लोग, यह मानक निजी के लिए, तो यह बातें हैं कि जो बाद में उसी जो कोर्ट की ओर से जो बातें की जा रही थी उसमें जो DEO की ओर से जो बातें रखी गई उसमें कि रखा गया कि जो कि यह मानक है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे जो 3 एकड़ भूमि ग्रामीण क्षेत्र में और 1 एकड़ भूमि शहरी क्षेत्र में, तो यह काफ़ी भूमि हो जाती है। 3 एकड़ की बात करें या फिर 1 एकड़ भूमि की बात करें तो यह काफ़ी भूमि हो जाती है। और यह तो निजी विद्यालय भी बहुत सारे नहीं पूरे किए भी नहीं होंगे लग रहा है। इस तरह से आप लोग खुद भी निजी विद्यालय में भी जाकर देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर कहीं भी, तो इतनी भूमि की बातें करें क्या है या फिर नहीं है, इसके बारे में खुद आप लोग पता लगा सकते हैं इतनी भूमि है या फिर नहीं है निजी विद्यालय में भी। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं यह मानक निजी के लिए और सरकारी के लिए नहीं, तो सरकारी के लिए तो नहीं है, यह निर्देश जो कि सरकार का दिशा निर्देश यह बातें की गई है उसके अनुसार ही अपग्रेड किए गए हैं स्कूल, यह भी आज की पेपर में बातें स्पष्ट हुई हैं। लेकिन यह मानक निजी के लिए है, निजी विद्यालय के लिए है क्या, तो 3 एकड़ भूमि देखने वाली बात होगी निजी विद्यालय में, क्या 3 एकड़ भूमि जो ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर नहीं है। 3 एकड़ भूमि एक काफ़ी आप लोग मानकर चल सकते हैं बड़ी माप है 3 एकड़ भूमि की बात करें तो, और 1 एकड़ भूमि शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि तो मिलना भी काफ़ी कठिन है। तो ऐसे में तो विकल्प यही है कि जो अतिरिक्त कमरा की बातें की गई थी जो पेपर के अनुसार, ठोस भवन का निर्माण, ठोस भवन और मंजिल का निर्माण, तो यही सब उचित विकल्प भी हैं इसके बदले में, तो ये सब पूरा करके मानक को पूरा किया जा सकता है। तो यही बातें हैं, अब आगे देख लेते हैं, आप ये सभी जानकारी देख रहे होंगे, सभी जानकारी पर लगभग बातें कर चुके हैं। और इसके अलावा और सभी जानकारी देख सकते हैं, जो प्राइमरी अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो 80,257 पद की बातें हैं, और हाई स्कूल प्लस टू शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो 1,21,000 अर्थात 1 लाख से भी अधिक पद हैं, 1,20,000 से अधिक पद हैं, इस पर पहले बातें कर चुके हैं। तो यही सभी जानकारी हैं, और आप लोग देख सकते हैं फिजिकल टीचर में 0 पद से इतने पद आ गए थे, 8,386 पद। तो जी बिल्कुल, जो कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं आप लोग नीचे देख